खतरे को लेकर पीएम मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग, बैठक में तैयारियों की हुई समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद। हरियाणा के नूह में केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा यात्रा रोकने के लिए कोरोना का बनाया जा रहा बहाना, हम टूटने वाले नहीं। कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त में बढ़ी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कवर का बास में दी सौगाते, कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हनुमानगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट फायर ऑफिसर 25,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप। पाली में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, जेतारण थाने के कांस्टेबल को 4,000 रुपए की घूस के साथ दबोचा। जयपुर के सांगानेर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई, लाखना से बालावाला रोड किनारे अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में आक्रोशित छात्रों का हंगामा, प्रदर्शन के दौरान कुलपति पर किसी शरारती स्टूडेंट ने उछाला जूता। आरटीयू प्रोफेसर द्वारा अस्मत मांगने का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को एडवोकेट ने जड़ा थप्पड़। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने किया परिणाम जारी। प्रदेश के सभी न्यायिक कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट प्रशासन ने सामूहिक अवकाश को किया समायोजित। झुंझुनू में आरपीएससी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया, सेंटर 187 सुंदरम विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पकड़ा गया। अजमेर के बांधनबाड़ा में कार और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो डीजी डिस्क सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो डीजी बीएल सोनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर के रामनगर सोडाला में जेडीए की बड़ी कार्रवाई, 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को किया गया सील। जालौर में शराब ठेके पर हेड कांस्टेबल से मारपीट के मामले में नया मोड़ आया सामने, सीसीटीवी फुटेज जांच में आरोप निकले झूठे, हेड कांस्टेबल रूप सिंह ने लंबे। भिलवाड़ा में कुएं में काम करते वक्त करंट से 3 लोगों की मौत, अजमेर एसडीआरएफ की टीम ने निकाले शव। कोटपुतली में बाइक सवार युवकों को अनियंत्रित कंटेनर ने मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की हुई मौत। बाड़मेर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर मारपीट की, बाद में सड़क किनारे छोड़कर हुए फरार। हिंडौन सिटी में 2 नाबालिग बालिकाओं के अपहरण का मामला, गुस्साए ग्रामीणों ने हिंडौन टोडा भीम मार्ग पर लगाया जाम। अजमेर के फाय सागर लैक में वाटर एडवेंचर एक्टिविटी मामला, एडवेंचर एक्टिविटी ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप। जालौर में टोल मांगने पर टोल कर्मचारी पर कार चढ़ाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक में बनास महोत्सव का भव्य आगाज, गांधी खेल मैदान में लगाया गया मेला, जिला प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद रहे मौजूद। झुंझुनू कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की सराहनीय पहल, मिशन 6 के तहत महिला लाभार्थियों को बांटे चेक। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और वर्कशॉप का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में ग्रीन रसायनों के उपयोग पर बल दिया गया। एक बार फिर बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटे में विश्व में 5,86,000 केस सामने आए। लगातार 30 दिन गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 241 अंक फिसलकर 60,826 पर बंद हुआ। भारत बांग्लादेश दूसरा टेस्ट, पहली पारी में बांग्लादेश 227 रन पर सिमटी, तो वहीं उमेश अश्विनी को मिले 4 विकेट। ईरान के हादी चूपन से जीता 2022 मिस्टर ओलंपिया चैंपियन का खिताब, तो वहीं एंडिया बनी में ओलंपिया। बेशरम रंग विवाद के बीच फिल्म पठान का धूम है जो पठान सॉन्ग हुआ रिलीज के 30 मिनट में मिले 1 मिलियन व्यूज।